हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज के इस वीडियो में हम आपको इस वाले डिज़ाइन में एक पूरा स्वेटर बनाना बताएंगे जो कि बहुत सुंदर है, बहुत जल्दी बनता है। कुछ टाइम पहले हमने एक स्वेटर और डाला था, एक साल पहले हमने एक वीडियो डाला था, इसी डिज़ाइन में बनाया था स्वेटर। कुछ डिज़ाइन चेंज की थी हमने और उसमें हमने ओपन स्वेटर बनाया, आगे से ओपन है, एक्सल साइज का बनाया। तो उस पर बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि हम बंद वाला स्वेटर बताएँ जो कि हम किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं, जीन्स के साथ पहन लें, और थोड़ा छोटा साइज बताएं। तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। इसी डिज़ाइन में आज हम आपको एक बंद स्वेटर बताएंगे। तो सबसे पहले हमने वाइट कलर की ऊन ले रखी है, इससे हम 6 चैन बनाएंगे। तो पहले हमने 6 चैन बनानी है। 6 चैन बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे हम। फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसमें से फंदा निकाल के दूसरी वाली चेन में से निकाल देंगे। इस तरीके से इसमें से निकाल के इसमें से निकालेंगे। इसके पास वाली चेन में भी सेम रिपीट करेंगे, इसमें से फंदा निकालेंगे और इस वाले फंदे में से निकाल देंगे, ठीक है। पूरी रो में हमें ऐसे ही करना है। तो अभी हम गले से स्टार्ट कर रहे हैं, तो गले का जो बॉर्डर है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। तरीके से पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली। सेकंड रो में देखिए एक चेन लेकर इसको घुमाया हमने, और इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, इसी तरीके से फंदा निकालेंगे। दो आपको तार दिख रहे हैं ना, हमें आगे वाले तार में डालना है। इस तरीके से देखिए आगे वाले में तार में से डाल के इसमें फंदा इसमें से निकाल देंगे। फिर देखिए ये दो तार दिख रहे हैं, आगे वाले तार में डालकर इसका फंदा निकाल के इसमें से निकाल देंगे। फिर देखिए दो तार दिख रहे हैं, आगे वाले तार में से डालेंगे और इसका फंदा निकाल देंगे हम इस तरीके से। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। इस तरीके से तो टोटल हमें 68 रो बनानी है, फिर हम आगे आपको दिखाएंगे। इसी तरीके से बनाना है, सिंपल है। एक चेन लेकर हमें घुमाना है, दो तार दिखेंगे, आगे वाले तार में से बनाना है। देखिए घुमाया इसको, आगे वाले तार में डालकर हम बनाएंगे। देखिए दो तार दिख रहे हैं, आगे वाले तार में से बनाना है। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। 68 रो हमें बनानी है, फिर हम आगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए पूरी रो हमने बना ली है। इस तरीके से आप क्या करें, जब आपकी रो बन जाए तो आप गले में ऐसे लगा के देखें विदाउट खींच के, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है, बहुत खींचता है। आपको खींचना नहीं है, आपको विदाउट खींचे गले में लगा के देखना है। अगर आपके ठीक आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप एक दो रो और भी बना सकते हैं। तो हमने 68 रो बनाई है, आपको एक बार नाप कर दिखा दें। तो देखिए 14 इंच पर हमारा गला आ रहा है। अब हमें नीचे का डिज़ाइन बनाना है, इसको गले को पहले ज्वाइन करना है। तो आप सुई की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप क्रोशिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करना बहुत आसान है, कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए देखिए इसको पकड़ेंगे इस तरीके से, और दोनों तार में से हम एक एक बार क्रोशेट निकालेंगे। क्रोशिया को देखिए इस तरीके से डालेंगे हम। इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है, सिंपल है। एक फंदा हमें इधर से निकालना है, एक बार इस साइड से निकालना है, इसको ज्वाइन करेंगे। आप चाहें तो निडल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम ज्वाइन करने के बाद ही आपको दिखाएंगे आगे कैसे बुनना है, ठीक है। कि हमारा पूरा बन चुका है, इस तरीके से हमने बना लिया है। अब हमें इसके आगे का बनाना है। तो काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है ये गला, तो यहाँ पर हम देखिए 3 चेन बनाएंगे। सबसे पहले कि 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, जितने फंदे उतने ही रखने हैं। हर चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक बार बनाया हमने,
एक डबल क्रोशेट हो गया। अब देखिए इस जगह पे डालकर हम एक बार बनाएंगे, जितनी भी चैन देखेंगे हर चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशेट बनाना है, ठीक है। तो कोई भी फंदा हमें बढ़ाना नहीं है ना ही कोई घटाना है। देखिए जितने फंदे दिखेंगे उसमें हम एक एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसके पास वाली चैन में भी एक बार बनाएंगे, देखिए यहाँ पर डालकर, फिर इसके पास वाली चैन में भी बनाना है हमें, यहाँ पर डालकर बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चैन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया कैसे कहते हैं, देखिए दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। हमने अपनी और भी वीडियो में बताया है डबल क्रोशिया कैसे कहते हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है, फिर आगे क्या करना है हम आगे आपको दिखाएँगे। देखिए पूरी रो कम्प्लीट करने के बाद हम आपको दिखाएँगे, देखिए हमने पूरी रो कम्प्लीट कर ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने पूरा ज्वाइन कर लिया, आपको दिखा दें तो देखने में आपको छोटा लगेगा गला, बट आपके बिल्कुल ठीक करने वाला है। तो बस आपको बस यही करना है, जब आप गले की जो बॉर्डर बनाएंगे ना गले का, तो उस पर एक बार बनाने के बाद गले पर रख कर ज़रूर देखें, अगर आपके गले पर ठीक आ रहा है तो आपके सर पर से निकल जाएगा, मतलब डालेंगे तो, वरना आपके टाइट हो सकता है। अब देखिए फिर से देखिए हमें तीन चेन बनाकर अब हमें चोटी वाली डिज़ाइन बनानी है, जो कि हमने डिज़ाइन डाली है स्वेटर में। तो तीन चेन हमने बना ली है यहाँ पर। तीन चेन बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे, दो चेन छोड़ेंगे तीसरी वाली चेन में डालेंगे। देखिए दो चेन छोड़ी, तीसरी वाली चेन में डाल के यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। और इसके बाद हमें एक चेन लेनी है, ठीक है। एक चेन लेने के बाद अब जो दो चेन छोड़ी थी पीछे वाली चेन में डालेंगे हम, चार बार में फंदे निकालेंगे। तो क्रोशिया नंबर हमारा पास 9 नंबर का क्रोशिया हमने लिया है, ठीक है। तो 9 नंबर के क्रोशिया से आप बनाएं, और देखिए चार बार में हमने निकालने के बाद सारे फंदे एक साथ निकाल दिए, ठीक है। अब फिर से हम दो चेन छोड़ेंगे, एक और दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दो दो करके फंदे निकाले, एक चेन ज़रूर लें, ठीक है। अब दो जो चैन हमने छोड़ी है ना, ये पीछे वाली चैन में डाल के चार बार में फंदे निकालेंगे। सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे इस तरीके से, देखिए चार बार में निकालने के बाद सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे। फिर से हम दो चैन छोड़ के तीसरी वाली चैन में डाल के एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से हमने देखिए पीछे वाली चैन में डाल के चार बार में फंदे निकालने हैं। ये सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे, फिर दो चैन छोड़ के तीसरी वाली चैन में डाल के फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद चैन ज़रूर लेनी है। तो हमने यहाँ पर बीच बीच में भूल गए थे, तो हमने बाद में ठीक किया था खोलने के बाद, तो आप चैन ज़रूर लें, ठीक है। अब देखिए दो चैन जो हमने छोड़ी है पीछे वाली चैन में डाल के चार बार में फंदे निकालेंगे, और सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है, तो आपकी चोटी वाली डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए तो पूरी रो बनाने के बाद हम आगे आपको दिखाएंगे, सिंपल है। तो देखिए इसी तरीके से हमें डिज़ाइन बनानी है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगी। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आएगी, पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, आगे हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली है, स्टार्टिंग में जो थ्री चेन बनाई थी उसमें डाल के हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं इस तरीके से ऐसे। करने के बाद फिर से हमने तीन चेन बना ली, तीन चेन बना के इसको घुमाएंगे और फिर से हम आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए घुमाने के बाद देखिए डिज़ाइन के पास में जो आपको चेन दिख रही है, डिज़ाइन के पास में चेन दिख रही है, इसमें डाल के एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से हमें एक चेन लेनी होगी, अब जो देखिए ये वाला बड़ा वाला फंदा दिख रहा है ना, इसमें डाल के हम चार बार में फंदे निकालेंगे। सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे, फिर जैसे अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। सारे फंदे हमने एक बार में निकाल दिए, एक बार में निकालने के बाद फिर से देखिए जो आपको डिज़ाइन दिख रही है ना, इसके पास में जो चेन दिख रही है इसमें डाल के एक बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पर डाल के बनाएंगे,
इस तरीके से कि एक चेन ले ली। अब इसमें डाल के हम चार बार फंदे निकालेंगे। चार बार में एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए और चार। चार बार में फंदे निकालने के बाद सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। फिर से देखिए इस वाले डिज़ाइन के पास में यहाँ पर डालकर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो दो करके फंदे निकालेंगे। फिर एक चेन ले ली। अब इसमें डाल के फिर से हम चार बार में फंदे निकालेंगे, एक दो तीन और चार। चार बार में फंदे निकाल के सारे फंदे फिर से हम एक साथ निकाल देंगे। तो इस रो को भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, आपकी चोटी वाली डिज़ाइन बनकर आ जाएगी। पूरी रो बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने पूरी रो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, चोटी की तरह डिज़ाइन बनकर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन चेन लेकर स्टार्ट करेंगे आगे का काम। तीन चेन ले ली हमने, इसको घुमाया और यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाने हैं, देखिए ये बड़ा सा जो फंदा आपको दिख रहा है ना डिज़ाइन के पास, इसमें हम दो बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक बार बनाया, वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे, तो दो हो गए हमारे पास। अब जो डिज़ाइन के ऊपर दो फंदे दिख रहे हैं, दो चेन दिख रहे हैं, उसमें एक एक बार हमें बनाना है। देखिए दो बार बनाने के बाद जो आपको इसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर दो चेन दिख रहे हैं ना, दोनों में एक एक बार हमें बनाना है। इस तरीके से देखिए बनाना है हमें। यहाँ पर भी एक बार बनाएंगे हम। देखिए डिजाइन के पास वाला जो फंदा दिख रहा है, इसमें हमें दो बार बनाना है। देखिए डिज़ाइन के ऊपर जो दो चेन दिख रही है, इसमें एक एक बार बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से बनाना है। फिर से जो फंदा दिख रहा है डिज़ाइन के पास, इसमें हम दो बार बनाएंगे, एक बार वापस इसी जगह एक बार और बनाएंगे। फिर से जो डिज़ाइन के ऊपर दो चेन दिखेंगी, उसके ऊपर हमें दो बार बनानी है। इस तरीके से देखिए इसमें भी डालकर बनाएंगे हम। देखिए इस जगह डालेंगे। इस तरीके से फिर से आपको ये डिज़ाइन के पास वाला जो बड़ा सा फंदा दिख रहा है, इसमें दो बार बनाएंगे। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। कि पूरी रो हमारी बन चुकी है, यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया। फिर से थ्री चेन बनाएंगे हम, एक दो और तीन। तीन चेन बना के अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर घुमाएंगे। अब इसमें हमें जितनी भी चेन दिखेंगी, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फर्स्ट वाली चेन में एक बनाएंगे, सेकंड वाली चेन में भी एक बनाएंगे हम। देखिए दूसरी वाली चेन में भी हमने एक बार बना लिया, तीसरी वाली चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथी वाली चेन में भी एक बार बनाएंगे। चार हो गई, ठीक है। इस रो में हमें जितनी भी चेन दिखेंगी, हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। कोई भी फंदा हमें बढ़ाना नहीं है, ठीक है। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना के इस पूरी रो को हम ख़त्म करेंगे, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। पूरी रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने स्टार्टिंग में थ्री चेन बनाई थी, इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार। चार चेन बना के देखिए एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जाली डालनी है, ठीक है। फिर हम एक चेन लेकर एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाले में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन ले ली हमने, एक चेन छोड़ के सेकंड वाले में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक चेन लेकर एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाले में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन छोड़ दी, यहाँ पर डाल के बनाएंगे। तो इस पूरी रो में हमें जाली बनानी है।
सिंपल है, एक चेन लेनी है हमें और एक चेन को छोड़ना है, सेकंड वाले में डाल के डबल क्रोशिया बनानी है, तो जाली बनकर आ जाएगी। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, आगे हम आपको दिखाएंगे क्या करना है। पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली, जाली बना ली है, ठीक है। अब देखिए दूसरी रो में भी हमें जाली डालनी है, तो कैसे डालनी है, सबसे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे। चार चेन बना के और हम इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद जो जाली दिख रही है इसके अंदर डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर देखिए हम एक चेन लेकर इसके पास वाली जाली में डालकर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर से हम एक चेन लेंगे और इसके पास वाली जाली में डाल के बनाएंगे डबल क्रोशिया, यहाँ पर डाल के बनाएंगे, फिर से हम एक चेन लेकर इस तरीके से हमें जाली बनानी है, एक चेन लेना है और दूसरी वाली जाली में डाल के डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। देखिए पूरी रो हमने बना ली है, दो बार हमारी जाली बन गई है, ठीक है। चोटी वाले डिज़ाइन के बाद हमने दो रो में डबल क्रोशिया बनाया था, फिर दो बार हमारी जाली बन गई है। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फंदे डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे, घुमाने के बाद अब क्या करेंगे, तीन चेन ले ली। अब देखिए एक डबल क्रोशिया हम जाली के अंदर बनाएंगे और एक हमने जो डबल क्रोशिया बना रखा है इसके ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें फंदे पूरे करने हैं, कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है ना ही घटाना है, ठीक है। तो हमें एक जाली के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है, एक जो हमने डबल क्रोशिया बना रखा है इसके ऊपर बनाना है। इस पूरी रो में हमें ऐसे ही बनाना है, देखिए एक जाली के अंदर बनाएंगे, फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे, जो हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। फिर एक जाली के ऊपर बनाएंगे इसमें, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर डालकर दो दो करके फंदे निकाले जाते हैं, उसको डबल क्रोशिया या फिर डबल क्रोशेट कहते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे, देखिए एक इसके अंदर बना रहे हैं, एक इसके ऊपर बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरा बनाने के बाद आगे क्या करना है हम आगे आपको बताएंगे। लोग जब बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। हमने देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली है, अब जो हमने थ्री चेन स्टार्टिंग में ली थी उसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको दिखाएंगे हम। तो देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया थ्री चेन लेकर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालकर हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें डाल के हम दो बार बनाएंगे, एक बनाया वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया हमारे पास हो गया। अब देखिए तीन चेन में हमें सादा बनाना है, एक 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 देखिए फर्स्ट वाली चेन में एक बनाएंगे, ठीक है, दो तीन, तीन के बाद चौथी वाली में फिर से हम दो बार बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथी वाली चेन में हम दो बनाएंगे, एक और दो, फिर से देखिए तीन डबल क्रोशिया हम सादा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन के बाद चौथे वाले में फिर से हम एक ही चेन में दो बार बनाएंगे, इसमें डाल के एक ही चेन के अंदर दो बार हम बनाएंगे, एक और दो, ठीक है। फिर से देखिए हम तीन चेन में सादा बनाएंगे, एक दो तीन, देखिए एक दो और तीन, तीन डबल क्रोशिया सादा बनाने के बाद फिर चौथी वाले में फिर से हम दो बनाएंगे, एक ही चेन के अंदर दो बार बनाएंगे, इसमें डालेंगे और दो डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर बनाएंगे। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। आगे फिर से हमें चोटी वाली डिज़ाइन डालनी है, जैसे हमने डाली थी सेम वैसे ही डालनी है। तो पहले इस रो को कम्प्लीट कर लेंगे, फिर आगे हम आपको दिखाएँगे। जो छोटी वाली डिज़ाइन है हमने तीन बार डालनी है। देखिए अब हमने ज्वाइन करने के बाद तीन चेन ले ली, अब हम दो चेन छोड़ के और तीसरे वाले में डाल के एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, देखिए इस तरीके से एक चेन लेंगे। अब जो हमने दो चेन छोड़ी है पीछे वाली चेन में डाल के चार बार में फंदे निकालेंगे, एक दो तीन और चार, चार बार में फंदे निकालने के बाद सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे। फिर से देखिए हम दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चेन लेंगे हम। तो एक चेन ज़रूर लेनी है, हमने बीच बीच में भूल गए थे तो बाद में हमने ठीक किया था, उसका वीडियो नहीं बना पाए थे। देखिए फिर से हमने जो दो चेन छोड़ी हैं इसमें डाल के एक डबल को चार बार में फंदे निकालेंगे और सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, देखिए इस तरीके से। फिर से हम दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेकर हम
दो चेन जो हमने छोड़ी है पीछे वाली चेन में डाल के तीन चार बार में फंदे निकालेंगे, एक दो तीन और चार। चार बार में फंदे निकालने के बाद फिर से हम सारे फंदे एक साथ निकालेंगे। तो इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने फर्स्ट वाली छोटी वाली डिज़ाइन बनाई थी, सेम वैसे ही हमें बनाना है। पूरी रो बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए सिंपल है, जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए हम दो रो बना ली हैं, सॉरी पूरी रो बना ली है। अब इसके बाद हमें फिर से एक चोटी वाली रो बनानी है, जैसे हमने ऊपर के साइड बनाया था सेम वैसे ही बनानी है। फिर भी हम आपको दिखा देते हैं तो कैसे बनानी है। देखिए सबसे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे यहाँ पर, तीन चेन बनाने के बाद इसको घुमाएंगे। ये कोई डिज़ाइन के ऊपर जो फंदा दिख रहा है इसमें डाल के हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। यहाँ पर बनाने के बाद देखिए एक चेन लेकर और जो आपको ये बड़ा सा फंदा दिख रहा है ना इसके अंदर चार बार में फंदे निकालेंगे हम। और सारे फंदे हमने एक साथ निकाल दिए। फिर से देखिए दूसरी वाली डिज़ाइन के पास में जो फंदा दिख रहा है इसमें डाल के हम एक बार बनाएंगे। फिर एक चेन लेके इसमें डाल के चार बार में फंदे निकाले, सारे फंदे एक साथ निकालेंगे और तीसरी वाली डिज़ाइन में डालकर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इसमें यहाँ पर डालकर। देखिए इस जगह डाल के भी सेम ऐसे ही बनाएंगे हम। तो जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब समझ आ जाएगा। फिर से देखिए जो बड़ा सा फंदा दिख रहा है इसमें डाल के चार बार में फंदे निकालेंगे हम और सारे फंदे हम फिर एक साथ निकालेंगे। इस पूरी रो को हमें ऐसे ही बनाना है और पूरी रो बनाने के बाद फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है डिज़ाइन तो वो वाला वीडियो देख लें जो हमने एक साल पहले डाला था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से देख लें। या फिर वीडियो को पीछे करके जो स्टार्टिंग में हमने बनाई थी वाली छोटी वाली डिज़ाइन वो भी देख सकते हैं। इस पूरी रो को कम्प्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए पूरी रो हमने बना ली है, दो बार डिज़ाइन हमारी बन गई है, हमें टोटल तीन बार ये डिज़ाइन बनानी है। अब इसके बाद में भी हमें ये दो रो डबल क्रोशा की बनानी है, फिर जाली डालनी है। जैसे इसके बाद हमने दो रो डबल क्रोशा की बनाई थी वैसे हमें बनानी है, फिर जाली वाली बनानी है, फिर एक रो दो रो फिर से हमें डबल क्रोशा की बनानी है, फिर एक बार और हम चोटी वाले डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन ली। यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे बट अलग तरीके से बढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे फंदे बहुत हो गए हैं, ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाएंगे। इसमें हम डालेंगे दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। एक बनाया वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे। अब जो वाला डिज़ाइन के ऊपर दो चेन आपको दिखेंगी, वाली डिज़ाइन के ऊपर जो दो चेन दिख रही है इसमें एक एक बार हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी डाल के बनाएंगे। देखिए इसमें जो ये डिज़ाइन है इसमें एक बार हम बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने दो बार बनाया था इस जगह पे, अब हम एक बार बनाएंगे, ठीक है। तो इस रो में हमें क्या करना है, एक में एक बार बनाना है, एक में दो बार बनाना है। अब इस जगह हम देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर डाल के। के पास वाली चेन में भी डाल के बनाएंगे एक बार यहाँ पर डाल के। अब ये जो बड़ा फंदा दिख रहा है ना डिज़ाइन के पास में जो बड़ा, देखिए यहाँ पर दो बार बनाया था यहाँ पर एक बार, इसमें भी हम दो बार बनाएंगे। तो इस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे।
बाकी जो भी आपको चेन देखेंगे, हर चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, बस जो डिज़ाइन है उसमें देखिए हम क्या करेंगे, एक डिज़ाइन को छोड़ के फंदा बढ़ाएंगे। इसमें देखिए हम एक बार बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए इसमें बनाया, इसमें बनाएंगे हम, आप देखिए फिर से इस वाले डिज़ाइन में दो बार फंदे बनाएंगे हम, एक ही जगह दो बार बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। अगर आपका साइज बड़ा है तो आप हर चेन में भी बना सकते हैं फंदा, हर डिज़ाइन में, सॉरी हर चेन में नहीं, हर डिज़ाइन में बना सकते हैं। इस जगह हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें दो चेन दिख रही है, दोनों में एक एक बार हमें बनाना है, ठीक है। फिर इसमें हम एक बार बनाएंगे, इसमें दो बार बनाएंगे, फिर इसमें एक बार, इसमें दो बार, इसमें एक बार बनाएंगे। इस तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे, आगे हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। देखिए हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे, ठीक है, एक रो में बढ़ाए थे, फिर जाली के बाद भी फंदे बढ़ाए थे, बट अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, इसी रो में फंदा बढ़ाना है जो भी हम बढ़ा रहे हैं बस। इसके बाद हमें एक रो सादा बनानी है डबल क्रोशा की, इसके बाद दो रो हमें जाली की बनानी है, फिर जाली के बनाने के बाद फिर हमें दो रो सादा डबल क्रोशा की बनानी है, फिर एक रो में हमें ए वाली डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद हम आपको दिखाएंगे, बस लास्ट बार हम फंदा बढ़ा रहे हैं, इसके बाद हमें कोई फंदा नहीं बढ़ा, इस बात का ध्यान रखें। अब पूरा हम बनाने के बाद, इतना बनाने के बाद आपको आगे दिखाएंगे, तो आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब समझ आ जाएगा। देखिए हमने चोटी वाले डिज़ाइन के बाद एक रो में हमने फंदे बढ़ाए थे, जैसे कि हमने आपको दिखाया था, ठीक है, इसमें फंदे बढ़ाए थे। उसके बाद वाली रो में हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए, सादा डबल क्रोशिया की रो बनाई है, फिर दो रो हमने जाली की बनाई है सादा, इसके बाद वाली रो में भी हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। अब हम फिर से चोटी वाली डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है, एक रो और डबल क्रोशिया के बनाने के बाद ऐसी ही हम चोटी वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तीन बार हमारे पास हो जाएंगे डिज़ाइन, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए कि हमारे पास तीन बार चोटी वाली डिज़ाइन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन के बाद एक रो हम डबल क्रोशिया के बनाएंगे सादा, इसमें भी हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो देखिए सबसे पहले हम तीन चेन बनाएंगे यहाँ पर, तीन चेन बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस जगह डाल के, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर आपको जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद हम मुड्ढे बनाएंगे, मुड्ढे घटाएंगे, बाजू कैसे बनानी है वो सब हम बताएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, हर चेन में डाल के एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर आगे क्या करना है आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, हर चेन में डालकर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। कि हर चेन में डालकर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने यहाँ पर पिन लगा दी सेफ्टी पिन बाजू के निशान के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर बाजू जो रखी है ना, आस्तीन की जो फिटिंग रखी है वो 6.5 इंच की रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रखें। देखिए इतना हमारे बाजू के लिए ठीक है, देखिए इतने इतने फंदे हमने दोनों साइड से छोड़े हैं, तो हम आपको नाप कर दिखा दें हमने कितनी बाजू रखी है। तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच की बाजू रखी है, देखिए यहाँ से लेके हम नापेंगे तो 6.5 इंच आ रहा है इतना, ठीक है, 6.5 इंच का बाजू हमने रखा है। देखिए 6.5 इंच पर दूसरे साइड का भी हमारे 6.5 इंच पर आ रहा है बाजू, देखिए इतने इतने हमने दोनों साइड से छोड़े हैं। आप 7 इंच पर या 7.5 इंच पर भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रखें, जो भी आपका साइज़ है उस हिसाब से रखें। अगर आपके आपका साइज़ 34 से 36 है चेस्ट का साइज़, तो आपका इतना बाजू ठीक रहेंगे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप 7 इंच या 7.5 इंच का रखें, बीच में हमारा जो फिटिंग का है वो 18.5 इंच है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, वाली पिन खोलेंगे, अब नीचे का पोर्शन बनाएंगे। तो इसको एक हमने खोल दिया, यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले,
पास वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पास वाली चेन में भी डाल कर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। हर चेन में डालकर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें कोई फंदा नहीं घटाना है, इस बात का ध्यान रखना है। हर चेन में डालकर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने दूसरी साइड में चेन ले रखी है ना, वो सॉरी पिन लगा रखी है, वहाँ तक हम डबल क्रोशिया बना के लेकर आएंगे। के सेकंड पार्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके ज़रूर देखें। बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप किसी भी चीज़ के साथ इसमें इसको पहन सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, ज़रूर देखें। तो देखिए इसको हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, जो हमने पिन लगा रखी है सेफ्टी पिन दूसरी साइड में, वहाँ तक लेकर आएंगे डबल क्रोशिया बनाकर, यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है, अब इसको हम खोलेंगे पिन को। खोलने के बाद इसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब दूसरे साइड की भी हम पिन खोलेंगे। ये दूसरे साइड में जो पिन है इसको खोलने के बाद इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारी बाजू ज्वाइन हो जाएंगी, यहाँ से हमारी बाजू बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे इतने फंदे मुड्ढे के लिए ठीक है, बाजू के लिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, जितनी भी आपको चेन दिखेंगी इतने फंदे हमारे बाजू के आ जाएंगे, ठीक है। अब इस साइड में हम बैक साइड में जितने फंदे देखेंगे हर चेन में डालकर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने दूसरी साइड में पिन लगा रखी है वहाँ तक हम लेकर आएंगे डबल क्रोशिया बनाकर। तरीके से हम बनाकर यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर आपको आगे दिखाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया, इस पिन को भी हम खोलेंगे और इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे हम, देखिए अब जो दूसरी साइड में हमने तीन चेन लगाई थी पिन खोलने के बाद बनाया था, इसमें डाल के हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो हमारे बाजू ज्वाइन हो जाएंगी इस तरीके से। देखिए इसमें डालेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, तो हमारे मुड्ढे ज्वाइन हो गए हैं। अब हम आपको रख कर दिखा दें, देखिए इस तरीके से मुड्ढे हमारे ज्वाइन हो गए हैं पूरे, देखिए इतना हमारा बन गया। नीचे का डिज़ाइन हम साइड हम दूसरा डिज़ाइन डालेंगे, छोटे छोटे फूल वाला डिज़ाइन डालेंगे। और सेकंड पार्ट में हम आपको इसका पूरी लेंथ दिखाएंगे, कैसे बनानी है, कैसा डिज़ाइन डालना है, बॉर्डर कैसे बनाना है, बाजू कैसी बनानी है। अगर आप लोग बोलेंगे पहन कर दिखाएँ तो हम पहन कर भी दिखाएँगे सेकेंड पार्ट में। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको बहुत सारे लाइक दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी भी प्रेस करें, तभी आपको वीडियो मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वीडियो नहीं मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सा हमने वाला डिज़ाइन डाला है, सेकंड पार्ट में हम आपको आगे का दिखाएंगे, वाला डिज़ाइन दिखाएंगे, बाजू दिखाएंगे, सब दिखाएंगे बना के। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।